विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में B.1.617 के तीन प्रकारों की पुष्टि की गई है, जिनमें B.1.617.1, B.1.617.2 तथा B.1.617.3 शामिल हैं। इनमें से हालांकि सबसे ज्यादा प्रसार B.1.617.2 का है तथा यह कई देशों में पाया गया है। इसे ब्रिटेन और WHO ने चिंता का विषय भी बताया है, हालांकि बाकी दो उपप्रकारों का प्रसार कम देखा गया है। नेचर की रिपोर्ट के अनुसार भी सर्वाधिक चिंता 617.2 को लेकर है। इसमें दो बड़े म्यूटेशन हुए हैं, एक L452R तथा दूसरा म्यूटेशन T478K है। ये दोनों बदलाव स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। इसी से वायरस मानव कोशिका में प्रवेश करता है। यह माना जा रहा है कि इससे मानव कोशिकाओं में वायरस का संक्रमण ज्यादा तेज हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 617.1 एवं 617.3 में E484Q म्यूटेशन पाया गया है। यह म्यूटेशन संक्रामक तो है ही, यह शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज को बेअसर कर संक्रमण कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्हें कोरोना हो चुका है या जो टीका लगा चुके हैं उन्हें भी यह संक्रमित कर सकता है। इसलिए तमाम अध्ययन इस ओर संकेत कर रहे हैं कि इन उपप्रकारों पर टीकों का असर कम हो सकता है। भारत में पिछले साल सबसे पहले मिले B.1.617 को डबल म्यूटेशन कोरोना प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पूर्व में हुए दो म्यूटेशन एक साथ आ गए थे। इस प्रकार में हालांकि कुल 10 म्यूटेशन पाए गए थे, लेकिन उनमें से दो ऐसे थे जिनकी वंशावली दूसरे देशों से आई थी। इनमें L452R म्यूटेशन सबसे पहले कैलिफोर्निया में पाया गया था, जबकि दूसरा E484Q म्यूटेशन ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तीनों वेरिएंट में मिला था, जबकि बाकी 8 अन्य म्यूटेशन भी मिले थे, लेकिन वे पहले किसी अन्य कोरोना वायरस में नहीं मिले थे।